खबर बलिया जनपद से, जहां सूटकेस में सड़ा ग्लास दो मिला। सूटकेस में अग्ञात सौ मिलने से सनसनी फैल गई है। बता दें बलिया के बैरिया थाना क्षेत्र के प्रसाद छपरा गांव के सुनसान इलाके में लाल रंग के सूटकेस सौ मिला है। सौ दो हफ्ते से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने इस संबंध में क्या कहा, देखिए यह रिपोर्ट। थाना बैरिया अंतर्गत ग्राम प्रसाद छपरा में आज प्रातःकालीन सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात शव एक सूटकेस के अंदर मिला है, जो वहाँ एक खेत में पड़ा था, और वो लाल रंग का एक सूटकेस जो अमेरिकन टूरिस्टर का है। इस पर सभी अधिकारी मौके पर गए। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, साथ में यहाँ पर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी बैरिया द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया जो उसमें शव है उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही, क्योंकि वो बिल्कुल कंकाल है, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आइडेंटिफाई हो पाए, और ये भी नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि वो मेल का है कि फीमेल का है, क्योंकि कोई इस तरह के रेमिनेंट पार्ट्स उस तरह के नहीं दिख रहे हैं। जहाँ तक बॉडी डिसलोकेट होने की बात है, वो काफ़ी पुराना शव लग रहा है। प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि 15 दिन के आसपास का पुराना होगा, और सारे जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं वो गल चुके हैं, इस वजह से वो बोन्स वगैरह डिसलोकेट हो गई हैं। इसको नियमानुसार इसका पंचायतनामा कर इसको पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया है, और इसकी शिनाख्त कराए जाने की पूरी कोशिश हो रही है। तमाम जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको वो भी सूचित किया गया, लेकिन कोई अभी सार्थक बात सामने नहीं आई है। अगर आसपास के जो थाने हैं उनमें भी गुमशुदगी के संबंध में भी जानकारी की जा रही है, क्योंकि थाना बैरिया बिहार जनपद की सीमा का थाना है, इसलिए बिहार में भी जो जनपद की सीमावर्ती जो थाने हैं बिहार के, उनसे भी संपर्क किया गया है, और पूरी प्रयास की जा रही है कि इसकी शिनाख्त हो जाए। जैसे इसकी शिनाख्त होगी उसके अनुसार अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी, और जो वहाँ का चौकीदार है उसके द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है थाना बैरिया पर, और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है।